आज पठान मूवी को वर्ल्ड वाइड इंडिया सिनेमा में रिलीज 58 दिन कंप्लीट हो। जिस वीडियो में बात करेंगे पठान मूवी डे 1 से लेकर डे 58 तक वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन कर चुकी है। गाइस पठान मूवी बॉलीवुड इंडिया की पहली मूवी जिसको वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के रिकॉर्ड को कायम कर देगी। अगर बात करें पठान मूवी को वर्ल्ड वाइड में 8000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया, जिसमें 5300 स्क्रीन पठान मूवी को इंडिया से मिली थी। वही भी बात करेंगे इस भोला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात करेंगे तू झूठी मैं मकार का, बॉक्स ऑफिस में 17वां दिन स्टार्ट इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन कर लिया है। गाइस पठान मूवी प्राइम अमेजोन पे अमेजोन वीडियो पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही है। गाइस अगर बात करें पठान मूवी को आपको कुछ सीन नहीं दिखाए गए। अगर आप मूवी को सिनेमा हॉल में देख चुके तो आपको काफी बड़ा यहां पे मैं बताना चाहता हूं, पठान मूवी के 3 मिनट का फाइटिंग सीन आपको सिनेमा हॉल में नहीं दिखाएगा, जो कि सिर्फ सिर्फ प्राइम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। गाइस अगर बात करें पठान मूवी के कलेक्शन के बारे में तो गाइस पठान मूवी को आज के दिन बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। किसी भी मूवी को ओटीटी वर्जन और थिएटर में चलाना कोई भी निकल, लेकिन सुपरस्टार शाहरुख खान ने यह करके दिखा दिया है। गाइस अगर आप शाहरुख खान को दिल से प्यार करते हो, इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस अगर बात करें पठान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो गाइस अब तक पठान मूवी वर्ल्ड वाइड में 1050 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी। जी हां गाइस पठान मूवी इंडिया लैंग्वेज में 545 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही। वहीं पे पठान मूवी हिंदी बैल्ट में 525 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। गाइस पठान मूवी केवल 58 दिन के अंदर बाहर की कंट्री से 395 करोड़ का ओवरसीज ग्रास कर लिया है। और गाइस पठान मूवी लाइफ टाइम में 1100 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रहेगी। गाइस अगर बात करें भोला मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी, मूवी को 6 दिन का टाइम बाकी सिनेमा हॉल में रिलीज होने के लिए। गाइस हमको जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखने को मिली अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी भोला, जिसमें आपको डायरेक्टर भी अजय देवगन देखने को मिलते, हीरो भी देखने को मिलते हैं। अजय देवगन की मूवी ने अब तक पूरे 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग से कलेक्शन कर लिया है। अभी मूवी को रिलीज होने में पूरे 6 दिन का टाइम बाकी है। तो बॉक्स ऑफिस जो हमको रिपोर्ट देखने को मिला, ये मूवी अपने ओपनिंग डेज तक 12 से 15 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर ले। बात करें तू झूठी मैं मकार को, आज बॉक्स ऑफिस में 17वां दिन स्टार्ट इस मूवी ने केवल 16 दिन के अंदर इंडिया से 119 करोड़ का कलेक्शन कर ले। बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो गाइस तू झूठी मकार ने केवल 11 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड से 166 करोड़ का कलेक्शन करके इस मूवी का जो बजट है गाइस वो 100 करोड़ इस मूवी अपना बजट कम्प्लीट करके। और गाइस ये मूवी सुपर हिट हो चुकी है और आने 10 से 15 दिनों के अंदर तू झूठी मकार ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। तू झूठी मकार लाइफ टाइम में 300 से 400 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रहेगी। गाइस अगर बात करें अजय देवगन की जो टॉप ओपनिंग डेज वाली मूवी, जिसमें सिंघम रिटर्न ने अपने पहले दिन 32 करोड़ का इंडिया से कलेक्शन किया था। नंबर 2 पे घोमाल अगेन, जिसने 30 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने पहले ओपनिंग डेज में। नंबर 3 पर टोटल धमाल 16 करोड़ का, दिशम 2 ने 15 करोड़ का किया था। गाइस अगर बात करें भोला मूवी का ओपनिंग डेज में, आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, भोला मूवी अपने पहले दिन ओपनिंग डेज में 25 से 30 करोड़ का 100% कलेक्शन करने वाली है। और कम से कम भोला मूवी अपने मैक्सिमम अगर लगाते हो 15 से 20 करोड़ तो कन्फर्म है। और गाइस शाहरुख खान के फैंस ने ठान लिया है भोला मूवी को ब्लॉकबस्टर तक लेके जाएंगे, क्योंकि अजय देवगन ने पठान मूवी के लिए काफ़ी सपोर्ट दिखाया था। वहीं पैसर के फैंस भोला मूवी को काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं। गाइस अगर बात करें कंडा इंडस्ट्री की कब्जा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो गाइस आज कब्जा मूवी को बॉक्स ऑफिस में 7वां दिन स्टार्ट है। इस मूवी ने केवल 3 दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया से 25 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही थी। और गाइस अगर बात करें कब्जा मूवी के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो गाइस कब्जा मूवी 7 दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया से काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन नहीं देखने को मिला। कब्जा मूवी एक फ्लो मूवी साबित रहने वाली है। गाइस कनाडा इंडस्ट्री ने कब्जा मूवी का 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ बता रहे, लेकिन गाइस ये फेक कलेक्शन है। कब्जा मूवी बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। कब्जा एक डिजास्टर मूवी, फ्लॉप मूवी, सिर्फ बॉलीवुड को नीचा दिखाने के लिए कब्जा मूवी का कलेक्शन ज़्यादा दिखाया जा रहा है। कब्जा मूवी केवल 5 दिनों के अंदर इंडिया से 29 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही है। कब्जा मूवी ने केवल 5 दिनों के अंदर इंडिया से 30 करोड़ का कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड से कब्जा मूवी ने केवल 7 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही है। गाइस कब्जा मूवी का बजट 120 करोड़ है। आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दिल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय, टेक केयर।